गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपका रिजल्ट आया है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का, तो काफ़ी बच्चे ग्रेडअप से सेलेक्ट हुए हैं। और अगर मान लीजिए आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो डिमोलाइज होने की जरूरत नहीं है बेटा। पॉइंट्स जैसे बहुत सारे बच्चे पॉइंट से रह गए, एक नंबर से रह गए, दो नंबर से रह गए, तो कोई बात नहीं बेटा, आप फिर से कंटिन्यू करिए, तैयारी करिए और डिमोलाइज होने की कोई जरूरत नहीं। आज नहीं तो कल आपको एयरमैन बनना ही है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ, इस बार थोड़ा सा बढ़ गई है। जैसा कि मैम पीटी मैम आपको बताएंगे कट ऑफ के बारे में, तो मैम कट ऑफ के बारे में प्लीज आप बताएं क्या है। यस, बात करें जैसा कि सर पिछली बार हमारा कट ऑफ रहा था सितंबर वाला जो एग्जाम था 2018 के अंदर, उसके अंदर वाई ग्रुप का कट ऑफ देखिए आप 32.75 रहा था, है ना। और ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट टाइम सितंबर वाली वैकेंसी जो थी उसी में ही फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम दिया गया था, सर आपको क्लियर होगा ना। तो इस वजह से जो फर्स्ट टाइम कट ऑफ थी वो थोड़ा सा डाउन गई थी, और अगर आप प्रियर एग्जाम्स की बात करें तो उस टाइम थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता था, है ना। तो ये फर्स्ट टाइम था जिसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन गया था। उसके अलावा अगर इंग्लिश की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो ओनली 10 मार्क्स, वैसे कट ऑफ इस बार भी 10 मार्क्स इंग्लिश का रहा है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ अगर आप कंपेयर करते हैं 2019 जो अभी मार्च में हुआ था एग्जाम, उसमें वाई ग्रुप का जो अभी कट ऑफ है यानी 37.25, यानी काफ़ी चेंजेस आए हैं। देखिए आप लोगों को दिखा, बिल्कुल अगर मैं बोलूँ तो कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है, जिसमें से आपको रागा पे अच्छे से वर्कआउट करना है, इंग्लिश में तो करना ही है। और आप ये मान के चलो कि आपको रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर लेके आने हैं। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है, जो मेरे स्टूडेंट्स थे मैक्सिमम बच्चे रागा में बहुत अच्छा किया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मैम एक्स ग्रुप के लिए। जैसे सर एक्स ग्रुप में हम बात करें तो 2018 का अगर मैं देखती हूँ तो कट ऑफ तो ये सितंबर वाली वैकेंसी का एक्स ग्रुप का कट ऑफ रहा था 27.75। मैं अगर बात करूँ तो देखिए आपका टोटल 70 मार्क्स का रहता है एग्जाम, यानी कि 25 मैथ्स और 25 फिजिक्स और आपका 20 मार्क्स का इंग्लिश, मतलब 70 मार्क्स। तो ये देखिए 50% भी कट ऑफ नहीं था, जैसा कि अगर हम पिछले एग्जाम्स में देखें। अब 2019 में जो हमारा एग्जाम हुआ मार्च के अंदर एक्स ग्रुप का, अब जो कट ऑफ आया है जैसे कि आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें आया 36.25। देखिए ये 50% से प्लस ही है आप कंपेयर करें, और इधर का जो कट ऑफ रहा था वो 50% भी नहीं रहा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखें बेटा, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें तो ही अगर आने वाले एग्जाम्स में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जो बच्चे जैसे सर पढ़ाई करेंगे वही क्वालिफाई हो पाएंगे। देखिए कॉम्पिटिशन जैसा कि बढ़ रहा है ना, और जो भी बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं वो मेरी ग्रुप डिस्कशन की क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल, जीडी की क्लास के लिए मैम का कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो कल से मैम की क्लास आप ले सकते हैं, और 5 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। और जीडी के बाद में अडेबिलिटी एसआरटी की तैयारी मैं खुद करवाऊंगा आपको, और स्टडी मटेरियल हम खुद प्रोवाइड करेंगे आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा आपको। आप अच्छे से तैयारी करिए, और नहीं हुआ है सिलेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल हमें एयरमैन बनना ही है। कुछ बच्चे इनका पॉइंट से रह गया तो बिल्कुल आप परेशान मत हो, बहुत सारे बच्चे आज मेरे पास आए कि सर मेरा पॉइंट से रह गया, बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट भी भेजा तो बड़ा दुख हुआ मुझे भी कि पॉइंट्स अगर रह जाना तो बड़ा दुख होता है बेटा। कोई बात नहीं, आप इस बार डट के तैयारी करो, ग्रेड अप आपके साथ में है और हम सब आपके साथ में हैं, तो बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।